सिंधिया को लेकर राजनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही अपने चरम पर है। सिंधिया को कांग्रेसियों द्वारा गद्दार कहे जाने पर उनके समर्थक पुराने कांग्रेस नेता मोहन सिंह राठौर ने कहा कि जो लोग अब सिंधिया को गद्दार कह रहे हैं वे सिंधिया की चौकट पर नाक रगड़ते थे। पुराने कांग्रेसी सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सामने आए हैं। कुछ कांग्रेसियों द्वारा सिंधिया को गद्दार कहे जाने पर राठौर ने कहा, श्रीमंत को गद्दार कहने वालों को हमने सिंधिया की चौखट पर नाक रगड़ते हुए देखा है। गद्दार कौन? एक गद्दार को हमने भी देखा है जिसने बीएसपी पार्टी से गद्दारी कर कांग्रेस की दिग्विजय सरकार की सत्ता की मलाई खाई। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और लाखन सिंह जी को विशेषकर ये कहना चाहता हूँ कि वफादारी और गद्दारी में क्या फ़र्क है, लाखन सिंह समझाने की कोशिश न करें। लाखन सिंह जब बीएसपी में थे, एक दिन फूल सिंह बरैया जी जो आज राज्यसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनने मुझसे कहा था कि लाखन सिंह की 7वें क्लास से उन्होंने फीस भरी और हायर सेकेंडरी कराई, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद बीएसपी का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन वो विधायक बन गए उस दिन उन्होंने पार्टी से गद्दारी करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय वो बिके और बिक के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। और अगर उनमें वफादारी थी, अगर उन्होंने सिद्धांत बदले थे, अगर उन्होंने किसी समस्या के ऊपर लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा दे के चुनाव लड़ते, फिर कांग्रेस ज्वाइन करते और उसके बाद वो अगला जो 98 का चुनाव जीते थे उसके बाद वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गिरद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको 2003 में चुनाव हराया, उनके घर बिठा दिया और 2008 के जब चुनाव आए उस वक्त हारने के बाद जब इनको टिकट नहीं मिल रहा था तब दिग्विजय सिंह जी ने भी जब इनको मना कर दिया कि मैं तुम टिकट नहीं दिला पाऊंगा, तब लाखन सिंह को श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के पैरों में गिरते नाक रगड़ते हुए मोहन सिंह राठौड़ ने देखा है, मेरे सामने बात करके देखा है। और 22 विधायकों की अगर बात करते हैं तो 22 विधायकों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई की बदौलत, उस सिद्धांत की बदौलत श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चूके थे इसलिए उन्होंने पहला कर्तव्य समझा कि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि इन 22 में से कितने सदन में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये समय बताएगा, जनता इसका निर्णय करेगी। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से लूट खसोट अधिकारियों से लेके इन 15 महीनों में लाखन सिंह जी ने भितरवार विधानसभा में की है, जिस तरह से अत्याचार आम आदमी के साथ किया है, जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया है, उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद लाखन सिंह विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इस बात। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।